हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन पर पिंट्रेस्ट एप्लीकेशन में आप लोग यहाँ पे अपना जो अकाउंट है वो आप लोग यहाँ पे कैसे यहाँ पे डीएक्टिवेट करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पिंट्रेस्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर में थ्री डॉट दिखेगा तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आता है तो आप लोग यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। डीएक्टिवेट अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आता है। तो जब आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब डीएक्टिवेट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो अकाउंट है पूरा डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे टेम्प्ररी आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो रहा है, आप लोग यहाँ पे उसी आईडी से दोबारा से यहाँ पे पिंट्रेस्ट एप्लीकेशन में अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे डीएक्टिवेट करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करके तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे परमानेंटली डीएक्टिवेट नहीं होगा। आप दोबारा से उसी ही आईडी को यूज़ करके अपना जो जो पिंट्रेस्ट एप्लीकेशन में अपना जो अकाउंट है वो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।